और मैं शशि मिश्रा, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम आइसक्रीम बनाने के लिए ये बीटर का ब्लेड है और एक बर्तन लेंगे। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि बिल्कुल ठंडा हो जाए। देखिए बर्फ़ जम गया है, ये पिघलने भी लगा है अब, तो इसको मैं साइड में रखती हूँ। और लेंगे 20 से 25 आइस क्यूब्स, और ये है पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर हम लेंगे 1/2 कप, और ये है व्हिप क्रीम जो मैंने यहाँ पर लिया है। इसको बिल्कुल चिल्ड नहीं लेना है, इसको हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। ये है 2 कप, और ये है मैंगो पल्प जो मैंने यहाँ पर पहले से ही पीस कर इसका पल्प निकाल लिया है। ये है 3/4 कप। तो चलिए अब हम आइसक्रीम बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें अपना ये क्रीम, और इसे हमें 2 मिनट के लिए लो मोशन पर बीट करना है। अब इसे हम बंद करेंगे और हम डालेंगे इसमें हमारा पाउडर शुगर। और फिर 2 मिनट के लिए इसे हमें बीट करना है। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक इसमें पीक्स ना बनने लगे। तो चलिए फिर हम इसे बीट करते हैं। अब ये देखिए इसके पीक्स बनने लगे हैं और ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो गया है। तो हम समझ लेंगे कि हमारा ये जो क्रीम है आइसक्रीम के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे ये देखिए, अब इसको हम साइड में रखेंगे। ये देखिए स्पैचुला से भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो मैंगो पल्प है, इसको हम डालेंगे। और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। आप इसमें चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए और बीट करेंगे ताकि ये जो मिक्सचर है अच्छे से क्रीमी हो जाए। बिल्कुल क्रीमी हो गया है, यानी कि हमारा ये जो मिक्सचर है अब आइसक्रीम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चलिए आइसक्रीम की तैयारी करते हैं। अब हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे और इसमें हम अब इसको जो हमारा मिक्सचर है इसमें हम डाल देंगे आइसक्रीम जमाने के लिए। आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और रात पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। इससे हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छी जमेगी।
अब ये हमारा मिक्सर अच्छे से सेट हो गया है। अब हम एक इसका ढक्कन लगा देंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक रैप से भी इसे रैप करके रख सकते हैं। अब इसको हम रात भर के लिए फ्रीजर में रखेंगे, फिर मैं कल मिलूँगी। चलिए, मैंने ये रात भर के लिए फ्रीजर में रखा था। अब इसको हम देखते हैं कि आइसक्रीम जमी है या नहीं। तो बिल्कुल आइसक्रीम जम गई है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और एक लेंगे हम, दो सर्विंग बोल लेंगे। और ये कूपर आइसक्रीम निकालने से पहले इसको हम गर्म पानी में रखेंगे ताकि ये गर्म हो जाए और हमारा जो आइसक्रीम है अच्छे से स्कूप होकर निकल जाए। अब इसको हम स्कूपर की सहायता से निकालेंगे। आइसक्रीम निकाल ली है। जैसा बाजार की आइसक्रीम का टेक्सचर होता है वैसे ही क्रीमी अगर आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर हो जाए तो समझ ले कि आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही क्रीमी है ये आइसक्रीम। आप ज़रूर अपने घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही अच्छा है खाने में, बिल्कुल क्रीमी है ये। तो अगर आपको आज की आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।